आज हम बनाएंगे हमारे घर की फेवरेट आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने आलू 500 ग्राम उगल के ले लिया है, आधा किलो। आप देख सकते हो अच्छे से आलू हमने मिट्टी के बर्तन के अंदर उगला है, हांडी के अंदर, और अच्छे से आलू उगल के छिल के बाद जैसे कट कर लिया है छोटा छोटा। आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। दो गांठ लहसुन लिया है, एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, दो बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, तीन लौंग, एक चम्मच इतना काली मिर्च, पाँच नंबर इतना काजू का टुकड़े, और दो तज है, एक तमालपत्र है, और ये पत्थर का एक फूल है। ये हम तमालपत्र वगैरह में जाएगा, दूसरा मसाला सब हम कूट के डालेंगे, लहसुन के साथ में कूटेंगे और बहुत बढ़िया पेस्ट बना लेंगे उसके। ये गरम मसाला, काजू और ये लहसुन हम खांडे के अंदर कूट लेंगे और बाद में सब्जी बनाने का तरीका दिखाएंगे आपको, और दूसरा जो भी मसाला करेंगे वो दिखाएंगे। लहसुन, काजू, गरम मसाला अच्छे से हमने कूट के जैसे डिश में निकाल दिया, हरा धनिया भी डंडी के साथ में थोड़ा काट लिया, और सब्जी बनाएंगे। बनाने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर एक चम्मच तेल रख दिया है, आप देख सकते हो चम्मच, और एक चम्मच हम घी डालेंगे। ये प्योर घी है, घी से सब्जी का खुशबू बहुत ही बढ़िया आता है, खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, इसलिए हम इसे बनाते हैं। आप देख सकते हो आलू की सब्जी तो बहुत बार आपने बनाई होगी, लेकिन ये घी, तेल, गरम मसाला डाल के बनाना बहुत ही बढ़िया बनेगी। रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ बढ़िया लगती है। हम तो चावल के साथ खाने वाले हैं, हमारा चावल भी उगल रहा है। हमारा घी तेल तो अच्छे से गर्म हो गया है, हम थोड़ा सा रई जीरा डालेंगे, अच्छे से ताटकने देंगे। हमारा रई जीरा अच्छे से ताटक रहा है, हम थोड़ा हींग डालेंगे, क्योंकि एक तेजपत्ता और एक प्याज डालेंगे। प्याज हमने बारीक बारीक कट करके लिया है, अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से पकने देंगे प्याज को। हमारी प्याज अच्छे से पक रही है, आप देख सकते हो। हमने आलू उगल के काट के रखे थे, इसीलिए ये सब जल्दी हो जाती है। आलू उगलने का साथ में बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने आलू पहले से तैयार करके रखे थे उगल के। प्याज का कलर चेंज हो गया, मतलब हमारे प्याज पक गई है। हम एक छोटा छोटा टमाटर काटा है वो डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। टमाटर हम एक मिनट के कर भी पकाएंगे, हमको ये सब्जी में खटास नहीं चाहिए, ऐसे ही गरम मसाला वाली अच्छी लगती है। साथ में हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे डेढ़ चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया जीरा, आधी चम्मच नमक डाल दिया, नमक हमने जो मसाला कूटा था इसमें डाला इसलिए, और अच्छे से मिला देंगे। दो मिनट के करीब पकने देंगे। हमारे मसाले तो अच्छे से भून गए, हम थोड़ा पानी डालेंगे, एक कटोरी हमने पानी डाला है। साथ में हमारा वो गरम मसाला कूटा हुआ था वो, और हरे धनिया डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब ये मसाले को अच्छे से हम 5 मिनट करीब पकने देंगे कम आँच पे। हमारा मसाला चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छे से मसाला भी पक गया है। हम आलू डाल देंगे, आलू डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। मेरा पूरा किचन महक गया है खुशबू से, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लेकिन हमारा चावल उबल रहे बने नहीं है। थोड़ा और पानी डालेंगे और फुल गैस पे उसको थोड़ी देर पका लेंगे। हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं,
हमारी सब्जी तो अच्छे से पक गई है और आलू का रस्सा भी थोड़ा कट हो गया है, इसे हम थोड़ा मैश कर देंगे। हमारी सब्जी तो रेडी हो गई है, हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सब्जी रेडी हो गई है, गैस बंद कर देंगे। बड़ी कढ़ाई में से हम छोटी कढ़ाई में सब्जी निकालेंगे, उसका रस्सा देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू तो नाजवाब है उसकी। हम 4 से 5 जनों के लिए सब्जी बनाई है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एकदम आसानी से हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई, एक बार आप जरूर घर पे बनाइए। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हम रोज़ रोज़ नया नया लेके आएंगे। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों।